Thank you.
नेचुरल आती है, अगर आप दूर ट्रैवल की तरफ जाओगे तो काफ़ी नेचुरल आपको वो दिखती है, क्योंकि ये भी कोस्टल एरिया है। देखो एक ये बोट खड़ी है, ये स्पीड बोट है, वो ऐसी ही स्पीड बोट पे गए थे। आगे से एक तरह से समझ लो 45 डिग्री तो नहीं उठती होगी, लेकिन काफ़ी उड़ जाती है, 20-30 डिग्री उड़ जाती है जब ये स्पीड पकड़ती है। और उसमें उसका वीडियो में आप आप लोगों को ये डबल कलर दिख रहा होगा पानी का, इस साइड से जो आ रहा है थोड़ा सा ग्रीनिश है, इधर से आ रहा है, और वो सामने जो है वो मटमैला सा पानी है जैसे गंगा जी का होता है। भाई साहब के दिखा दूँ, बरसात हो रही है, कहीं जा नहीं सकते हैं। यहाँ पे बोट जो होती है वो भी लेके जाती है, फोर आइलैंड जैसे आपको सामने दिख रहे होंगे, दूर दूर आइलैंड, छोटा सा आइलैंड दिख रहा भी बरसात की वजह से धुंधला हो गया। इधर है आइलैंड, ये अभी क्योंकि समुंदर काफ़ी उफान पे है तो नो पैकेज, ओनली स्कूटी पे राइड। ये ऐसे बीच साइड एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम लोगों ने कॉफ़ी पी। इस रेस्टोरेंट का नाम है वांग साय। चलो अब थोड़ी बरसात हल्की हुई है, निकलते हैं देखते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ जिन लोगों ने पैकेज लिए होंगे उनकी क्या हालत होगी, वो तो कुछ भी नहीं घूम पा रहे होंगे। सी यू गाइस। ¿Ah? ¿Cómo veamos la?